जबलपुर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जहां विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को अपनी जागीर बनाकर रखा है, उनका एक तरफा जंगल राज चल रहा है, वहीं दिन पर दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो राष्ट्रपति शासन जल्द ही लगाया जा सकता है। बंगाल को बचाना ये हमारी जवाबदारी, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, तो हमें मालूम है कि हमें कुछ खोना पड़ेगा वहाँ पर, हम प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाएंगे। हमने बहुत कार्यकर्ताओं को खोया, और भी खो सकते हैं। बात करें और जहाँ तक केस का सवाल है, तो झूठे केस तो वहाँ बहुत लगते हैं। मुझ पर कम से कम बहुत सारे केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर एक ऐसा शर्मनाक केस लगा हुआ है कि मैंने किसी अनाथालय के बच्चे विदेशों में भेज दिए, वो केस लगा हुआ, उस पर मैं जमानत पर हूँ। अभी एक रेप का केस भी हम लोगों पर लगा दिया, तो वो भी हाईकोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ कुछ भी केस किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। विपक्ष को कुचलना किसी भी प्रकार से, ये ममता जी का एक माइंड सेट।